नमस्कार, मैं विनेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरह ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में 6 अक्टूबर से मौसम साफ, जल्द विदा होगा मानसून। हिमाचल प्रदेश से 2 से 3 दिन के भीतर मानसून विदा होगा। 13 जून को मानसून ने प्रदेश में प्रवेश किया। मानसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 10% कम बारिश दर्ज हुई। बुधवार 6 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम बदलने से सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। सोमवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। वहीं 9 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। उपचुनाव हिमाचल में कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार प्रतिभा सिंह समेत इन नेताओं को मिला टिकट। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा गया। वहीं अर्की विधानसभा सीट से संजय अवस्थी, जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर और फतेहपुर सीट से भवानी सिंह पठानियों को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद पार्टी महासचिव व केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी मुकुल वासनिक ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हाईकमान की ओर से जारी सूची में प्रतिभा सिंह का नाम प्रतिभा वीरभद्र सिंह लिखा गया है। इससे साफ है कि मंडी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल कर वोट लेने की तैयारी में है। शारदीय नवरात्र नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए आरटीपीसीआर या वैक्सीन प्रमाण पत्र अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश के विख्यात तीर्थस्थल श्री नैना देवी जी में शारदीय नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। लगभग 19 महीने बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं को हवन कुंड में आहुतियां डालने की अनुमति प्रदान की है, जबकि बैठकर हवन करने पर मनाही होगी। श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर या वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। चंबा अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी बाइक, 2 युवकों की मौत, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुआड़ी रायपुर मार्ग पर शनिदेव मंदिर के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। वहीं मृतकों की पहचान रोहित 17 वर्षीय पुत्र गगन निवासी गांव सारणा व गौतम 18 वर्षीय पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 7 चुवाड़ी के रूम में हुई है। वहीं घायल अभिषेक 18 वर्षीय उपचाराधीन है। वहीं इसके अलावा बात करें तो मृतकों के परिजनों को प्रशासन ने 10,000 रुपये की फौरी राहत राशि जारी की है। घायल को 5,000 रुपये दिए गए हैं। वहीं डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने कहा कि चुवाड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया है। कुल्लू दशहरा बाहरी लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन प्रमाण पत्र पर ही प्रवेश। कुल्लू दशहरा में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 24 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट के बाद ही प्रवेश मिलेगा। जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया गया है। बड़ा हादसा, हिमाचल के स्वार घाट में पर्यटकों से भरी गाड़ी खाई में गिरी 4 की मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के स्वार घाट में हरियाणा से आए पर्यटकों की गाड़ी के खाई में गिरने की सूचना है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस टीम मौके पर है। गाड़ी में कितने लोग थे पुलिस की ओर से इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। एचआरटीसी वर्कशॉप में टैंक पी गया 4,500 लीटर डीजल। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की कार्यशाला बैजनाथ में स्थापित डीजल पेट्रोल पंप के एक टैंक से हजारों लीटर डीजल गायब हो गया। अधिक मात्रा में डीजल के गायब हो जाने पर अब इंडियन ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि इस टैंक की जांच करने में लग गए हैं। तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार 4,500 लीटर डीजल कहां चला गया। वहीं निगम की बसों के लिए डीजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यशाला के परिसर में ही डीजल पंप की स्थापना की गई है। 40,000 लीटर की क्षमता के 2 टैंक बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक टैंक 2 माह पहले से ही खराब होने के कारण बंद था। इस पंप की मोटर डीजल नहीं खींच पा रही थी। इस खराब पंप में 1,500 लीटर डीजल मौजूद था। वहीं 1 माह पूर्व ही 4,500 लीटर डीजल और डाला गया था। इसमें से पंप में मात्र 1,500 लीटर ही डीजल शेष बचा है। शोर शराबे के बीच बीपीएल मुक्त कर दी पंचायत। हाल ही में बीपीएल मुक्त घोषित की गई बलह पंचायत के ग्रामीण पंचायत के इस फैसले से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि शोर शराबे के बीच पंचायत को बीपीएल मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि वास्तविकता यह है कि पंचायत में अभी भी कई पात्र परिवार हैं। पंचायत में अभी भी कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।
वहीं इस बारे में ग्रामीणों ने उपमंडल अधिकारी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण अमरजीत सिंह, प्रवीण कुमार और अन्य ने बताया कि पंचायत में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मिड डे मील आवंटन जांचने के लिए फील्ड में जाएंगे उपनिदेशक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील आवंटन जांचने के लिए उपनिदेशक फील्ड में उतरेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हर जिला के 25 फीसदी स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य तौर पर करने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के बीच विद्यार्थियों को सूखा राशन मुहैया करवाया जा रहा है। कुकिंग कॉस्ट की राशि सिर्फ बैंक खातों में देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में निदेशालय ने मौके पर जाकर इन सुविधाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करवाने का फैसला लिया है। वहीं स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट को 15 अक्टूबर तक निदेशालय में भेजने के लिए कहा गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मिड डे मील आवंटन जांचने के लिए फील्ड में जाएंगे उपनिदेशक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील आवंटन जांचने के लिए उपनिदेशक फील्ड में उतरेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हर जिला के 25 फीसदी स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य तौर पर करने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के बीच विद्यार्थियों को सूखा राशन मुहैया करवाया जा रहा है। कुकिंग कॉस्ट की राशि सिर्फ बैंक खातों में देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में निदेशालय ने मौके पर जाकर इन सुविधाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करवाने का फैसला लिया है। वहीं स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट को 15 अक्टूबर तक निदेशालय में भेजने के लिए कहा गया है। वहीं इसके अलावा बात करें तो पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था है। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष से बंद हुए स्कूलों के कारण सरकार ने बच्चों को सूखा राशन देने की व्यवस्था की है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ चहेतों को लाभ, एसएमसी शिक्षकों को 9 बार सेवा विस्तार देने पर बवाल। सरकार एसएमसी शिक्षकों के मामलों में अपनी 17 जुलाई 2012 की नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े और सही फैसला ले। इस नोटिफिकेशन की क्लास नंबर 9 के अनुसार जैसे ही नियमित शिक्षक एसएमसी शिक्षक स्थान पर जाएगा, इस शिक्षक की सेवाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। पहले से तैनात एसएमसी शिक्षकों को किसी भी सूरत में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार चहेतों को लाभ दे रही है। दुर्भाग्यवश सरकार एसएमसी शिक्षकों को लगातार 9 बार सेवा विस्तार दे चुकी है। यह सेवा विस्तार संविधान की धारा 309 का उल्लंघन है। वहीं यह शब्द हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह धीमान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय रतन, संजय राणा, महासचिव राजेश धीमान और अन्य ने कहे हैं। संघ ने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार नियमित शिक्षकों की भर्ती या तो कमीशन से या बैचवाइज प्रक्रिया के तहत हो सकती है। नए पे कमीशन रूल्स का ड्राफ्ट तैयार, हिमाचल में नया वेतन आयोग लागू करने से पहले हम बैठक। हिमाचल में एक तरफ उपचुनावों के कारण आचार संहिता का दौर है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के वित्त विभाग ने नए वेतन आयोग को लागू करने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने अपने विभाग की इंटरनल कमेटी के साथ पे कमीशन पर लंबी चर्चा की। पंजाब वेतन आयोग पर फैसला होने के साथ ही इस कमेटी का गठन किया गया था। सोमवार को हुई बैठक में वित्त विभाग की लगभग सभी शाखाओं को शामिल किया गया और नया वेतन आयोग देने से पहले की तैयारियां पर चर्चा की गई। इसी बैठक में नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए बनाए गए रूल्स का ड्राफ्ट भी रखा गया। वहीं राज्य में नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होना है और इसके लिए करीब 5,000 करोड़ की देनदारी सरकार पर बन रही है। वहीं पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हालिया फैसलों ने हिमाचल के कर्मचारियों में भी नई उम्मीदें जगाई हैं। पंजाब ने एनपीएस कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मौत पर उनके परिवार के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पर फैमिली पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। अब पंजाब के इसे लागू करने के बाद हिमाचल में भी यह दबाव बढ़ेगा। चन्नी ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन उस बारे में अभी पंजाब सरकार को ऑर्डर करने हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।